today's video, I will discuss the poem The Unicorn, which is written by Suniti Nam Joshi. So, इस वीडियो में हम लोग जो पोएम है The Unicorn उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एक फेमस राइटर, फेमिनिस्ट राइटर सुनीति नाम जोशी के द्वारा लिखा गया एक काफ़ी फेमस पोएम है. ये एक सिम्बॉलिकल पोएम है जिसका सरफेस मीनिंग कुछ और है और ये सिम्बॉलिकली किसी और चीज़ को इंडिकेट करता है. तो चलिए इस पोएम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस पोएम एक्चुअली में है क्या. यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इस पोएम के समरी को, इसमें क्या क्या सिम्बोलिज्म है उसको, और इसमें किस चीज़ के बारे में स्पेशली बताया गया है, मेन इसका थीम क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखेंगे. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, डिस्कस द पोएम द यूनिकॉर्न बाय सुनीति नाम जोशी. इस पोएम को डिस्कस करो जो कि सुनीति नाम जोशी के द्वारा लिखा गया एक पोएम है. तो जो सुनीति नाम जोशी हैं वो एक बहुत ही फेमस, वाइडली रिगार्डेड एक पोएटेस है इंग्लिश की, और ये एक इंडियन राइटर भी हैं और एक फेमिनिस्ट पोएट भी रह चुकी हैं. इसके साथ साथ ये एक लेस्बियन पोएट है. लेस्बियन पोएट मींस होता है जिनका लव अट्रैक्शन जो है, ये खुद एक फीमेल थी और फीमेल होकर इनका जो लव अट्रैक्शन है वो एक फीमेल के लिए था, इसी को बोला जाता है लेस्बियन. मेल मेल के लिए लव एक तरह का जो अट्रैक्शन होता है और फीमेल का फीमेल के प्रति जो एक तरह का अट्रैक्शन होता है उसी को बोला जाता है. तो ये उस टाइप की राइटर थी. इन्होंने बहुत सारा पोइट्री लिखा था, बहुत सारा नॉवेल्स लिखी थी, बहुत सारे चिल्ड्रंस बुक लिखे थे, और जो इनका वर्क है वो जो है वो कई सारे लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया था, जिसमें इटालियन, डचेस, चाइनीज, कोरियन, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें जो इनका वर्क है उनको ट्रांसलेट करके लिखा गया था. इस पोयम में जो यूनिकॉर्न पोयम है उसमें जो पोएटेस है नाम जोशी वो क्या ट्राई करती हैं, तो दो चीज़ों को कनेक्ट करने की. पहला रियल, मतलब जो वास्तविक चीज़ें हैं, और दूसरा मिथोलॉजिकल यानी कि अनरियल चीज़ें, मतलब जो कि फैक्ट नहीं है, नॉट रियल है, उन चीज़ों को वो क्या करती है एक दूसरे के साथ, रियल को अनरियल के साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं. और इसके साथ साथ ही वो लव और जो लव का आइडिया है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिट है, उसको भी दिखाने का प्रयास करती है इस पोएम में. जो पोएटिस हैं उन्होंने यूनिकॉर्न को सिम्बोलाइज करने के लिए यूज़ किया है, जिसके द्वारा वो मिथिक्स का जो एग्जिस्टेंस है, जो नॉट रियल, जो कि रियल नहीं है, उसका भी वो एग्जिस्टेंस को इस पोएम में दिखाती हैं. इसके अलावे जो ये वर्ल्ड है वो उन्हें एक तरह का जो है कंफर्ट, एक तरह का सपोर्ट नहीं दे सका, जिसके वजह से वो यूनिकॉर्न को लाती हैं और उसको एग्जिस्टेंस को वो बताती हैं. लेकिन एनिशियन सोसाइटी में, जो प्राचीन सोसाइटी है, वहाँ पर इस तरह का जो मिथ्स है वो देखा जाता है. ये यूनिकॉर्न एक्चुअली में क्या है अब हम लोग देखेंगे. इस पोयम में जो कवित्री हैं, जो पोएटेस हैं नाम जोशी, वो किसके बारे में बात करती है, तो वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में. और ये वाइल्ड यूनिकॉर्न क्या है, तो ये एक तरह का मिथिकल हॉर्स लाइक एनिमल है, मतलब जो घोड़े के समान दिखने वाला एक जानवर है जिसका एकमात्र सिंगल हॉर्न है, मतलब एक सिंग है, और वो भी कहाँ पर है, तो सेंटर में, जो उसका फॉरहेड है, जो उसका सिर है, उसके सेंटर में वो ग्रो किया हुआ है, उठा हुआ है, उसी को बोला जाता है वाइल्ड यूनिकॉर्न एनिमल. यहाँ पे जो पोएटेस है वो उस यूनिकॉर्न के साथ जो एक राइड करना चाहती है, एक सवार करना चाहती है, और एक्चुअली में वो उनका जो स्पिरिट होता है उसके साथ राइड्स करके काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो जाता है. और वो क्या करती है, वो जो है यूनिकॉर्न वाइल्ड एनिमल, उसके साथ वो राइड करते करते काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाती है. वो अपने साथ जो उनके सामने जो आते हैं उनके जो रास्ते में सिल्वर कलर के जो और जो लिप्स जो है थ्रोन कांटे भरे ये सब आते हैं, फॉल वेदर बहुत ख़राब मौसम आता है उनके रास्ते में, इसके बावजूद भी क्या करती है वो हार नहीं मानती है और उन सबको क्रॉस करते हुए वो आगे निकल जाती हैं. ऐसा लगता है जैसे कि जो नेचर है उसको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो पोएटेस हैं. एक्चुअली ये जो है ये पोएट का शुरुआती लाइन है जिसमें वो जो है एड्रेस करती है वाइल्ड यूनिकॉर्न है, मतलब जो एनिमल है उसको, और उसके साथ वो एक राइड करने के लिए जाती है, जहाँ पे वो उनके सामने जो है बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स आते हैं, थ्रोन रहते हैं, लीव्स, फॉल वेदर आते हैं, ये सब डिफ़िकल्ट बन के उनके रास्ते में, बट वो उन सबकी परवाह किए बिना वो आगे बढ़ती जाती हैं. और ऐसा लगता है जैसे कि नेचर को भी वो कंट्रोल कर ली है और उन सबको मुसीबतों को चीरते हुए वो आगे बढ़ती जाती हैं.
फिर वो जो पोएटिस हैं वो अपने जो उनके बिलव्ड होते हैं उनसे वो उनको एड्रेस करती है और कहती है कि लव विल यू राइड विथ मी, क्या तुम मेरे साथ राइड करना चाहोगे, सवारी करना चाहोगे। बट जो उनके लवर हैं वो उनको काफ़ी पीछे छोड़ चुकी हैं और इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका हार्ट है वो ब्रोकन हो चुका है। यहाँ पर एक्चुअली में जो है वो पास्ट का इमेज रिक्रिएट होता है और जो पास्ट का लव है वो भी यहाँ पर रिक्रिएट किया जाता है बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा। यहाँ पर जो है वो स्पीकर जो है अपने लव को खो चुकी हैं, जो उनके लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करता था उस लव को आज वो पीछे छोड़ चुकी हैं, वो पीछे रह गए हैं और ये काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। यहाँ पे वो बताना चाहती है कि इस तरह जब उनके लवर उनको उन जो उनका लवर है वो पीछे रह जाते हैं उनसे, तो ये एक तरह का जो है एक वर्च्यू और फिलोसफिकल डेथ होता है उनके लव का। बट उनका ये फिलोसफिकल डेथ ऑफ लव के बाद भी वो जो स्पीकर हैं, जो पोएटस हैं, वो अपने सेम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते जाती हैं। बट हाँ, उनके माइंड में ये ज़रूर रहता है कि जो उनका बिलव्ड है वो उनसे पीछे छूट गए हैं और जो उनके बिलव्ड है वो काफ़ी फार उनसे होते जा रहे हैं, काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो पोएटेस है वो ये दिखाती हैं कि जब वो यूनिकॉर्न के ऊपर राइड करती हैं तो वो उनका जो बिलव्ड है वो उनसे काफ़ी पीछे छूट जाते हैं और उनका पीछे छूटना एक तरह से उनके लव का डेथ वो मानती है। बट इसके बावजूद भी वो डिसअपॉइंट नहीं होती हैं और सेम स्पिरिट के साथ ही वो आगे बढ़ती जाती हैं। हाँ, बट उनके माइंड में ये ज़रूर रहता है कि जो उनका भी लव्ड है, जो उनका लवर है, वो पीछे छूट गए उनसे। इस पोयम में जो है वो मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जहाँ पे जो एक लेडी है वो अपने लवर्स के साथ राइड करना चाहती है उस यूनिकॉर्न पे, बट जो वो मैन है, जो उनका बिलव्ड है, वो उन्हें रिफ्यूज़ करता है, उनके साथ नहीं जाना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना राइड को कंटिन्यू रखती हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग एक और पोयम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स का पोयम माई लास्ट डचेस, उसमें भी सेम इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। जो माई लास्ट डचेस है उस पोयम में भी जो ड्यूक ऑफ फेरारा रहते हैं वो काफ़ी इंसल्ट फील करते हैं जब जो उनकी वाइफ है, यानी कि जो क्वीन है, वो एक वाइट मिल के ऊपर राइड्स करती है। वाइट मिल एक तरह का जो है सफ़ेद खच्चर, एस गधे को कहा जाता है, उस पर वो सफ़र करती है। तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील होता है कि वो रानी होकर के इस तरह से गधे के ऊपर जो है जो राइड कर रही है। तो उनको लगता है एक तरह का कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है रानी के द्वारा, और रानी का जो इस तरह का बिहेवियर था उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो अपनी क्वीन को एक पेट्रियार्चल व्यू से देखते हैं। मतलब उनका पेट्रियार्चल व्यू क्या होता है, जिसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अतः जो है मेल के अनुसार ही फीमेल को काम करना पड़ता है, वो सोसाइटी। बट उनकी वो इस टाइप के थे जो किंग थे। ठीक उसी तरह से इस पोएट्री में भी क्या होता है, जब जो स्पीकर हैं वो जो है यूनिकॉर्न के ऊपर राइडिंग करना चाहती हैं तो उनका लव उनसे पीछे छूट जाता है। हो सकता है कि जो उनका लवर हो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है उस तरह के राइड करने में, और मे भी हो सकता है कि वो स्पीकर के साथ नहीं जाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे बस हम लोग अपना जो है एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ठीक उसी तरह का उस पोयम में भी देखा जा सकता है। इस पोयम में जो यूनिकॉर्न पोयम है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो नामजोशी हैं वो एक लेस्बियन राइटर हैं, और ख़ुद जो स्पीकर है वो भी एक लेस्बियन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस पोएट्री को बोला है। यहाँ पे जो उनका लव है वो एक फ़ीमेल के लिए है, जैसा कि एक फ़ीमेल के साथ फ़ीमेल का रिलेशन है, इसीलिए वो एक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठा सकती है, जिसके वजह से उनका जो लव है वो उनको पीछे छूट जाना संभव ही है। सो इस तरह से जो वुमेन वुमेन का रिलेशन है वो कन्वेंशनल जो सोसाइटी है हमारी उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यही कारण है कि जो स्पीकर है वो अपना राइड जो है वो अकेले ही सफ़र करती हैं और उनका जो लवर है वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वो एक लेस्बियन है और उनका जो लव है वो एक फ़ीमेल के लिए, ज़्यादा फीमेल के लिए उनका एक लव था, ना कि किसी मेल के लिए। दैट्स वाई उनको अलोन ही सफ़र करना पड़ता है और उनके जो फीमेल लवर है वो पीछे छूट जाती हैं। इस पोयम में जो राइडिंग अ यूनिकॉर्न है ये एक मिथिक
एक्ट है, मतलब कि एक अनरियल एक्ट है, जहाँ पे जो वाइल्ड यूनिकॉर्न है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो पैशनेट लव और डिज़ायर, ह्यूमन बींग के अंदर जो पैशनेट लव होता है और जो डिज़ायर होता है उसको इंडिकेट करता है, और वे हर एक एवरी ह्यूमन बींग में ये प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो पोएटिस है वो सिम्बॉलिकली जो है वाइल्ड यूनिकॉर्न के द्वारा पैशनेट लव और डिज़ायर को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है। तो इस पोयम में जो फ्रेजेस से ग्रीन लाइट ऑफ ट्री, डार्क लाइट ऑफ नाइट, ये सब जो है वो टाइम फॉर लव मेकिंग को इंडिकेट करता है, जबकि जो पास्ट लीव्स है वो क्या सिंबलाइजेस करता है, तो इमेज ऑफ फीमेल गैनिटल, इसको सिंबलाइजेस करता है। इसके अलावे जो यूनिकॉर्न है वो खुद एक हॉर्स फैमिली से बिलोंग करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, और ये एक्चुअली में सेक्सुअलिटी को इंडिकेट करता है। और जो यूनिकॉर्न है वो एक सेक्स टॉय का सिंबल बन जाता है इस पोयम में। इस पोयम में मेन आयरनी क्या है, तो यहाँ पे जो लव है उनका पीछे छूट जाना, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीकर है वो अकेले ही आगे बढ़ी जबकि उनके लवर उनसे पीछे छूट गए। ये एक्चुअली में क्या इंडिकेट करता है, तो ये एक्चुअली में जो पोएटिस है उनका सेल्फ स्टिमुलेशन का जो पावर है उसको इंडिकेट करता है। सो, ये जो पोयम है वो एक किसी व्यक्ति के जीवन का, उसके लाइफ में खुद का सेल्फ रिलायंस जो है, आत्म जो विश्वास है उसको इंडिकेट करता है। वन शुड बी एबल टू ट्रस्ट वन सेल्फ एंड नॉट टू मूव बाय व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू। तो हमें खुद के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए और उसी के भरोसे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें जो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है उसे सोच करके हमें आगे ना बढ़े, तो ये गलत बात है। यहाँ पे जो स्पीकर है अपना सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाती है और अपना जर्नी है वो कंटिन्यू करती है। और ये जो पोयम है, जब हम लोग इस पोयम को पूरा पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पोयम है वो एक तरह का ब्लिस है, जहाँ पर जो स्पीकर हैं वो अपनी जीत को रियलाइजेस करती हैं और जो वो खोई हुई है अपने पास्ट लव को और उनको जो सामना करती है फॉल वेदर का, उसके ऊपर वो एक विक्ट्री हासिल करती है, उनको एट द एंड ये रियलाइजेस होता है। सो, यहाँ पे पोएम फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।